हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जीके से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे एसएससी बैंक्स एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल के हो या नेशनल लेवल के हो, तो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पर चलते हैं हम। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तो वह है पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब प्रांत में। तीसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मंदिर का निर्माण हुआ था, मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो वह गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर होगा विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है हमें विष्णु पुराण से। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। सातवां प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, भारत पर सर्वप्रथम किन्होंने आक्रमण किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था ईरान ने। आठवां प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने की थी? तो वो थे उदाई। उदाई ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा प्रश्न। भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है साम वेद। इन्हें भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, साम वेद को। दसवां प्रश्न देखते हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर होगा जय संहिता। महाभारत को अन्य नाम से जय संहिता के नाम से जाना जाता है। 11 प्रश्न देखते हैं। आर्यों के जानकारी का स्रोत है, आर्यों की जानकारी के स्रोत क्या है? जैसे आर्यों की जानकारी मिलती है तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों की जानकारी का स्रोत है। 12 प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? तो इसका आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। 13 प्रश्न देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा दनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था दनानंद। 14 प्रश्न देखते हैं। चोल वंश का अंतिम राजा था, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। 15 प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था? तो इसका आंसर है कुमार गुप्त। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। 16 प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। 17 प्रश्न देखते हैं। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था किसने चलवाया था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। 18 प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी, गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत।
गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। 19वां प्रश्न देखते हैं, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने, इन्होंने जजिया कर का प्रचलन किया था। सैयद वंश का संस्थापक था, सैयद वंश का संस्थापक था कौन था सैयद वंश का संस्थापक? तो इसका आंसर होगा खिज्र खान, ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।